आज सुबह आजमनगर के पलसा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के ही निकट एक खेत के बाहर बने गड्ढे में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश को एक किसान ने देखा। लाश को देखते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लाश को गड्ढे से निकाला गया। लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लाश की शिनाख्त हो पाई। यह मृतक कोई और नहीं बल्कि निकट के ही गांव केलाबाड़ी का रहने वाला बासु मंडल था। देखते ही देखते थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों को भी बुलाया गया। मृतक के चार बेटे बबलू मंडल, दिलीप मंडल, संजीव मंडल और धीरेन मंडल हैं। मृतक के बेटों ने बताया कि मेरे पिताजी बिसाहरी पूजा में नाचने का काम किया करते थे। अभी चार दिन पहले वे घर से साइकिल लेकर निकले थे लेकिन आज तक नहीं लौटे। तो सर आज की घटना है और सुने घर से पता चला कि तीन चार दिन से मेरे पिताजी ना कहीं बाहर गए हुए हैं, उसके बाद घर ही नहीं पहुँचे। उसके बीच में सुबह फ़ोन किया बटेसर चौधरी, तो हम आगे पता चला कि जो घर पंचायत के संथाली टोला गांव में मारा पड़ा हुआ, उसको खुट्टा से बांध के पानी में गाड़ दिया है। इस पूरे घटना को लेकर आजमनगर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने हमारे आजमनगर संवाददाता अमित सिंह को बताया कि क्या सर घटना घटी है। सर घटना सुबह में जानकारी मिली कि पलसा गांव के पूरा तालाब जैसा गड्ढा में पानी में एक शव अज्ञात मिला है। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पर आकर देखे, फिर इसके बाद जो है कि लोग जमा हुए, फिर उसका बॉडी का पहचान हुआ तो ये रहने वाले हैं केलाबाड़ी के वासुदेव मंडल में। लगभग 60 साल उम्र है इनका और यहाँ मिला है बॉडी। चार दिन से जैसा बताया जा रहा है कि उनके मतलब घर से जो है कि मतलब लापता थे, गायब थे और यहाँ बॉडी मिला है। इसको जो है कि हम लोग अपना कब्जा में लेकर जो प्रथम दृष्टिया सर क्या है। सर प्रथम दृष्टिया आप देखिए कुछ बॉडी पानी में मिला है, अभी हम लोग इस पर जाँच कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, इंक्वेस्ट वगैरह किए हैं, बाकी फर्दर जैसा डेवलप होता बताएं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिली है कि रात में पता नहीं कैसे जोकर का निवासी एगो यहाँ पे मार पीट करके या कैसे क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पानी में डूबा हुआ था। प्रशासन को सूचना मिला, प्रशासन आया यहाँ पर थाना के बराबर। अब पता नहीं अब फोन मारा कैसे मारा, यह जांच का विषय है। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि इसका जांच हो और जो है मृतक परिवारों को कुछ सहायता मिले सरकार की ओर से।